दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज विप्रो लिमिटेड शेयर की मैं कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो के बाद देखने के बाद अगर आपके अंदर से आह और वाह दोनों ना निकले तो आप बिल्कुल, मज़ा तो आने ही वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। मच अवेटेड था और इसका रिजल्ट भी आया, तो अब हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अल्टीमेटली स्ट्रेटजी पता चल जाएगी मार्केट में कि किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली ऐसी लार्ज कैप कंपनी में, ठीक है। और विप्रो लिमिटेड की अगर मैं बात करूँगा कि इज़ अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, सबको पता है, एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में BPS कंपनी के अंदर, BPS इसका बिजनेस है मैन, फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है, ये सबको पता है। सबसे पहली आती है TCS, इन्फोसिस, SCL एंड उसके बाद विप्रो नाम आता है। इसी के साथ साथ इनकी जो सर्विसेज हैं, IT जो सर्विस सेगमेंट है, वहाँ से कंपनी का 97% रेवेन्यू आता है। बहुत सारे मैं मिथ को भी ख़त्म कर दूंगा आपके सामने इस वीडियो को देखने के बाद में। और जो IDEAS है, इसको बोलते हैं आइडियाज, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत की पॉइंट मैं पकड़ूंगा बिजनेस के, जिससे देखो एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, रिटर्न उसको दिखाओ बस। अब रिटर्न कैसे आएगा, उसकी बिजनेस को आप पकड़ो। अब बिजनेस को कैसे पकड़ना है, उसके की पॉइंट कुछ देखो, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है। यहाँ से ये बात खत्म हो गई। आईकोर में देख लेते हैं क्या क्या है। साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क सर्विसेज, इसका मतलब है जो साइबर सिक्योरिटी में है भारत के मामले में। अब चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग को होना ही पड़ेगा डिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, पर जिस तरीके से आज UPI ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ डिजिटल रुपी का आना हुआ, तो कहीं ना कहीं अब चोर तो आपके घर में क्या होगा आने वाले समय में ना, पहले चोर आते थे, चुरा के क्या करते थे कि आपके घर का सोना चांदी बर्तन लोटा बाल्टी थरिया गड़ई सब उठा के चोर चुरा के ले जाते थे। गड़ई मैंने थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज़ किया, उसका मतलब होता है लोटा, और कहीं ना कहीं कैश भी लेके जाते थे। अब आपके घर में चोर नहीं आएंगे कुछ दिनों बाद, अब आएंगे साइबर सिक्योरिटी वाले, मतलब हैकर, ठीक। अब आएंगे आपके घर में हैकर, तो कहीं ना कहीं इस वजह से साइबर सिक्योरिटी का अब क्या होगा, चेंज होगा पर्सपेक्टिव। जब लोग घर में नोट रखने का नज़रिया चेंज कर देंगे तो लोग क्या करेंगे, फिर आएंगे हैकर। तो उसको बचाने के लिए भारत सरकार क्या लेके आएगी, साइबर सिक्योरिटी पे फोकस रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका BFSI सेक्टर अगर बात करूँ, और कितने परसेंट उस कंपनी के अंदर रेवेन्यू होता है, BFSI 31%, कंज्यूमर 16%, हेल्थ केयर 14%, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़ के अंदर 13%, टेक्नोलॉजी के अंदर 13%। अब कहते होंगे लोग विप्रो तो यार टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है भाई, लेकिन देखो केवल 13% है, बाकी एनर्जी हेल्थ केयर कंज्यूमर स्टेपल्स मैन्युफैक्चरिंग 8%, कम्युनिकेशन 5%। और जो अगर मैं बात करूं कि यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो अमेरिका से 60% आता है, यूरोप से 26% आता है, APMEA यहाँ से 14% आता है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो अमेरिका से आता है। ग्लोबल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आइडिया से जो ऊपर बात कर रहे थे ना, वहाँ से 57% एंड आईकोर से कितना आता है, 43%। इसी के साथ साथ मैं कुछ और बात करूँगा, IT प्रोडक्ट सेगमेंट यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा। क्लाइंट प्रोफाइल ठीक है, क्लाइंट होंगे ही कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इन्होंने एक एक्विजिशन किया था जिससे भी कोई मतलब नहीं है, 2021 का एक्विजिशन, डी मर्जर का भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, डी मर्ज हुई। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी 2013 में, फाइनेंशियल ईयर 2013 में डी मर्ज हो गई थी, मतलब अलग कर दी गई थी। आपने देखा होगा इस कंपनी के ना ट्यूबलाइट वगैरह भी आती हैं विप्रो की, देखा होगा मार्केट में, है ना। तो वो सेगमेंट अब कंपनी का नहीं है, वो इस विप्रो लिमिटेड का नहीं है, वो किसका है, विप्रो एंटरप्राइज लिमिटेड का है, ठीक है। तो वो अलग कंपनी है और वो एक प्राइवेट की तरीके से काम करती है, विप्रो एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे अजीम प्रेम जी प्राइवेटली खुद हेड करते हैं, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। तो आपके अंदर ये मिथ आज खत्म हो गया। अब चलिए फंडामेंटल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए। तो अगर आप अभी चैनल को, जो सब्सक्राइब बटन वहाँ पे लाल दिख रहा है नीचे की तरफ, अगर उस पर टिक करके थोड़ा सा सहयोग आप अपना कर देंगे तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन एडवांस। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,21,234 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है ये भारत की, और फोर्थ लार्जेस्ट IT कंपनी है ये। एक करेंट प्राइस की बात करेंगे, 403 रुपये का करेंट प्राइस है, हाई की बात करेंगे 650 रुपये का लगाया, लो 372 का लगाया। देखो मेरे मित्रों, मैं आपको अब बताता हूँ सीन क्या है। अभी कंपनी का रिजल्ट आया, इसकी वजह से 403 आ गया, इससे पहले ये 400 के नीचे घूम रहा था, 380 375 इवन 300 ये 70-72 के आसपास भी आते हुए देखने को मिला, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, ये एकदम से शेयर 650 तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे कटु वचन बोलूँगा, पर ये सत्य है, एकदम से 650 नहीं जाएगा।
अभी शेयर मार्केट में एक बजट रैली आएगी, वहाँ पर ये शेयर प्राइस 10 से 12% ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर आज आप मूड बनाते हो, जैसे कि इस शेयर के अंदर पर्टिकुलरली मैं विप्रो की बात करूँगा, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो मैं केवल आपसे यही कहूँगा कि आप केवल 2 लाख रुपए इसके अंदर अभी डालें। 8 लाख रुपए उठा के आप अपनी फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। बजट रैली के बाद में जो एक मंदी आएगी, मैंने आपको दिखाया ना, वो अमेरिका, जापान, चीन, चाइना, जो कुछ मैंने आपको दिखाया इससे पहले, वो क्यों दिखाया, अब उसकी बात यहाँ पर आएगी, क्योंकि एक भारत अमेरिका से मंदी आएगी। हालांकि भारत में नहीं रहेगी, क्योंकि G20 समिट इंडिया के अंदर होने वाला है, और इसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर फिर से दिवाली एक मनवा देंगे, पक्का मनवा देंगे। ठीक है, तो भारत में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि बिजनेस कंपनी का यूएस से है सबसे ज़्यादा, और यूएस में क्या आएगी, एक मंदी आएगी बहुत बड़ी, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इन आईटी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे SCLTech हो। TCS पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि TCS का बहुत बड़ा जो मार्केट शेयर है वो भारत से है इस वजह से। ठीक है, और विप्रो पे जब पड़ेगा ना, तो जो 8 लाख रुपए आपने अदर में डाले होंगे, जो आपने एलोकेशन 10 लाख रुपए इस शेयर को दिया था, 2 लाख रुपए जैसे आपने अभी डाल दिए, तो 8 लाख रुपए ना SIP के तौर पर डालना, क्योंकि ये कंपनी आपको क्या है कि आप कभी भी इस कंपनी से ना मकान नहीं खड़ा कर सकते। मकान मैं शेयर मार्केट को इस तरीके से लेता हूँ, सबसे पहले एक बेस तैयार करना है आपको, उसके ऊपर फिर आपको ना एक छोटा शेयर माइक्रो कैप शेयर या मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर, उससे आपको ना कंपनी के कमरे बिल्डिंग को खड़ा करना है। आप ऐसे शेयरों से आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि ये शेयर ना 5 से 10 साल में कहीं ना कहीं हो सकता है डबल हो, ट्रिपल हो, पर जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी को जब आप चुन लेते हो, एक अच्छा शेयर एक सस्ते भाव पर खरीद लेते हो, तो क्या होगा, उससे आप क्या कर पाओगे ना, उससे कहीं ना कहीं एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको वही शेयर देके जाएंगे। ठीक है, आपको तो ये आपके पास नज़र में होना चाहिए इस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्योंकि जब आप YouTube कोई भी वीडियो देखते हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे वीडियो देखने का, कि जब विप्रो में सबका पैसा बनी रहा है तो उठा के अपना 1 करोड़ रुपये विप्रो में डाल दो, खत्म करो बात यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको नॉलेज और इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। समझ गए आप लोग कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखना है, लेकिन आप हमेशा अपना बेस ना ऐसे शेयरों से बनाओ, इन्फोसिस से बनाओ, TCS से बनाओ, विप्रो से बनाओ, ताकि कल को अगर छत उड़ जाए ना, तो कम से कम आपके पास बैठने के लिए वो फ्लोर हो। ऐसे फ्लोर आप इन शेयर से बनाओ, इतने मजबूत शेयरों से बनाओ, लेकिन जो आप बिल्डिंग खड़ी करो वो स्मॉल कैप कैटेगरी और अच्छे चुनिंदा शेयरों से बनाओ, ताकि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल पाए। स्टॉक के PE की बात करेंगे, बहुत डिसेंट PE चल रहा है 19.5 का, एटलीस्ट 400 के नीचे जैसे ही जाए एक एग्रेसिव बाइंग लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न आपको तभी मिलते हुए देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू की बात करेंगे, बहुत सही वैल्यूएशन पे खड़ी है इतनी पुरानी कंपनी, इतना बड़ा जायंट, इतना बड़ा बिजनेस, तो कहीं ना कहीं 130 रुपये की बुक वैल्यू बहुत डिसेंट है। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है 1.49% का, छोटा डिविडेंड है पर देती है। देखिए ऐसी कंपनी, इतनी छोटी सी कंपनी, उसके बावजूद भी कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, पर ये शेयर ने ऐसा कारनामा किया है। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपए है, तो आने वाले समय में आपको 1:1 का स्प्लिट देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, और बोनस तो कंपनी देती ही देती है, जो इसके जायंट है TCS, इन्फोसिस, SCLTech, विप्रो। ठीक है, और करेंट मार्केट प्राइस ये है। विप्रो का जो PE रेशियो है, देखिए सबसे सस्ता इसी का PE है। टेक महिंद्रा भी एक अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी मैं इंडिविजुअल वीडियो लेकर आऊँगा। अब अगर मैं बात करूँ, आप देखिए जो इसके रिजल्ट हैं, आप वहाँ पर देखिए, जून 2022 में जहाँ कंपनी की सेल 21,529 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल 23,229 करोड़ की सेल है। ठीक, सेल देखिए सितंबर और दिसंबर में दोनों क्वार्टर में सेल इंक्रीज हुई। ठीक, रिजल्ट अच्छे आए। एक्सपेंस की बात करेंगे, जहाँ 18,605 करोड़ के एक्सपेंस हुआ करते थे, वहीं आज की डेट पर 18,682 करोड़ के एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस केवल 1,000 करोड़ से बढ़ा, पर कंपनी ने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि हम अपना सेल ज़्यादा बढ़ा लें, जिसकी वजह से आप आगे चल के देखेंगे नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा होगा। मटेरियल कॉस्ट कंपनी के अंदर केवल 1% की लगती है, और एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी की 59% लगती है। कंपनी ने एम्प्लॉय अपने कम किए, ये सबको पता है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय कम किए, और ये एक स्ट्रेटेजी भी होती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक हिस्ट्री। हैवेल्स इंडिया एक जमाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो हैवेल्स इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को हटाया, तो एम्प्लॉयज़ को हटा के कंपनी को क्या करके आए, कंपनी को लेके आए, किस में करके आए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि यार देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन करना पड़ता है यार कंपनी को ऐसा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखो ये ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो रेवेन्यू में ग्रोथ कब आया, जब इन्होंने एम्प्लॉय हटाए तभी तो प्रॉफिट आया, एम्प्लॉय सेम रखते यार तो खर्चा आ जाता है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे, 61% जहाँ इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट लगती थी, वहीं 59% अभी एम्प्लॉय कॉस्ट लग रही, इसको इन्होंने कम किया। ठीक, तो जब हैवेल्स ने वो काम किया ना, उसकी वजह से जब कंपनी में प्रॉफिट आ गया, कंपनी में वापस से प्रॉफिट आया, इन्वेस्टर आया, और फिर से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को, वही काम ये कंपनी करेगी। ये सारे टर्म ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, पर इन्वेस्टर क्या होता है कि इन्वेस्टर इस चीज़ को ना क्या कर देता है कि एक माइंडसेट में डाल के ना शेयर गिरवा देता है, तो बस बस उसी गिरवाने में ना आपको आपदा में अवसर ढूंढना है बस।
नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 2649 करोड़ का नेट प्रॉफिट जहां था इनका सितंबर क्वार्टर में, वहां दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था 3065 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। अर्निंग पर शेयर जहां 4.85 रुपये का था वहीं 5.56 रुपये का आ गया। कंपनी का बहुत बहुत डिसेंट ग्रोथ आया है कंपनी के अंदर। डेफिनेटली ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, पर ये जो विप्रो लिमिटेड जो है पास्ट रिकॉर्ड कहता है, विप्रो लिमिटेड का इतिहास कहता है कि ये कछुआ की चाल चलता है। तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होगी, बहुत पेशेंस की इस कंपनी के अंदर ज़रूरत होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आप मान के चलना। क्योंकि दो दिन में लोग बोलेंगे 2023 में ये डबल कर देगा पैसा, तो आप मान के चलना 2025 में भी पैसा डबल नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ इस शेयर में आएंगे तो डेफिनेटली आप बने रहेंगे। शेयर कैपिटल की बात करूँ अगर मैं, तो मार्च 2021 में जहाँ शेयर कैपिटल 1096 करोड़ का हुआ करता था, वहीं सितंबर 2022 के अंदर 1097 करोड़ का हुआ, शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट आया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, 3805 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे देखो 3000 तो नहीं है ये, हाँ 53805 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे 70215 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए कितना बड़ा ग्रोथ आया कंपनी का सितंबर क्वार्टर में। अब इसके साथ साथ मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूँ, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर को डर होता है ना वो कंपनी की सेफ्टी को लेकर होता है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी, कल को मैं मान लेते कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, ठीक मैं बताता हूँ, हालांकि भगवान न करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि विप्रो लिमिटेड के ऊपर अच्छा काम भी कर रही है और दुआएं और हमारे बाबा का माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे इन्वेस्टर के ऊपर और इस कंपनी के ऊपर, ताकि कंपनी का बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टर का पैसा बढ़े। लॉन्ग टर्म ग्रो बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूँगा, 6066 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 10983 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। देखिए केवल 16000 करोड़ की टोटल बोरोइंग है, 70000 करोड़ का सरप्लस कैश कंपनी के हाथ में, सबको दे देंगे, इन्वेस्टर का भी पूरा पैसा वापस हो जाएगा। सेफ्टी से रिलेटेड तो कोई इशू ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में भर भर के पैसा बढ़ा है, और ना केवल बढ़ के बढ़ा है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज भी हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा। आइए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अगर मैं कैश फ्लो की यहाँ पर बात करूँ, तो मार्च 2021 का कैश फ्लो देखो, मार्च 2022 की देखो, मार्च 2022 में कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो था 6583 करोड़ का। मेरे मित्रों मार्च 2023 की एनुअल रिटर्न पे स्पेशली विप्रो लिमिटेड से रिलेटेड आपके नज़र चील की निगाहों की तरह रखना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ से शेयर प्राइस ये अपने 52 वीक हाई के पास जरूर चला जाएगा। तो आपकी नज़र रखना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न कमाने की, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के नज़रिए से विप्रो लिमिटेड के अंदर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे बेस और फ्लोर की बात करी, आप उस चीज़ को याद रखना डेफिनेटली। डेटर डेज की बात करेंगे, मार्च 2022 में 53 का डेटर डेज था। मेरे मित्रों अगर 53 दिन से और कम डेटर डेज को लेके गए, तो डेफिनेटली कैश का फ्लो बढ़ेगा और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से 600 के ऊपर पार भी ये शेयर हो जाएगा। पर आपकी नज़र डेटर डेज पे होनी चाहिए। डेटर डेज का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों, जो नए लोग हैं जाने, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसका पैसा कितने दिनों में आ जाता है कंपनी के पास। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं, तो देखिए दिसंबर 2021 में 73.01% होल्ड करके चलते थे, लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में कम करी। दिसंबर के मेरे पास अभी डेटा नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आएगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। सितंबर 2022 में 72.96% की प्रमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। FIIs की होल्डिंग देखिए, FIIs ने भी होल्डिंग कम करी, दैट्स वाई कि ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ। DIIs की होल्डिंग देखिए, DIIs ने अपना पैसा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तुरंत अपना पैसा बढ़ा लिया, क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट दिखता है। डेफिनेटली अगर मैं भी एक फंड मैनेजर होता ना, तो मैं भी बढ़ा लेता विप्रो जैसी कंपनी के अंदर। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने अपना पैसा बेच के निकल गया, क्योंकि ये जो 4% है ना, इनके पास पेशेंस नहीं था। और डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि ये पेशेंस, ये जो शेयर है ना 4% छोड़ के गए हैं, ये भी भटक रहे होंगे आज की डेट पे। क्योंकि भटक इसलिए रहे होंगे ना, क्योंकि ऐसी कंपनी में जैसे मैंने अभी आपसे बताया फ्लोर और मकान, ठीक है, तो मैं इस वजह से बोलना चाहूँगा। अदर की बात करेंगे, 0.21% होल्ड करके चलते हैं। आइए चलिए कुछ और चीज़ों की जानकारी लेते हैं। आप विप्रो लिमिटेड का मैक्सिमम रिटर्न देखो यार, मैक्सिमम रिटर्न देखो, ये बोनस के बाद है मैक्सिमम रिटर्न। आप बोनस देखो साइड में कितने सारे बोनस पड़े हुए हैं, देखो डिविडेंड देखो कितना सारा डिविडेंड। अब अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ, 2823% का इस कंपनी ने रिटर्न आपको दिया है, तो आप देख सकते हैं साइड में कितने सारे डिविडेंड हैं, कितना सारा डिविडेंड है और कितना सारे बोनस हैं। इसके बावजूद भी कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूंगा, देखिए वॉलेटिलिटी तो बड़े बड़े शेयरों में आती है और इस शेयर के अंदर भी है। देखिए 15 फरवरी 2007 को 152 रुपये का शेयर प्राइस था, देखिए कितना गिर गया, 53 रुपये तक आ गया। इसी के साथ साथ आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखिए 200 रुपये का शेयर प्राइस था, कितना गिर गया, 174 तक ही कंपनी आ गई। वही काम अब यहाँ पर हो रहा है, कितना हो गया, 599 तक गया, उसके बाद में इवन 600 के आसपास भी गया, और ये देखिए कितना आ गया, 403। इवन अगर 350 तक ही गिर जाए तो आपकी पेशेंस डोलना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो। क्योंकि जब आप 1000 बार सोच के आओगे ना, तो वही जब 1000 बार मार्केट गिरेगा ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके शरीर पे, बल्कि आपको जब मार्केट गिर रहा होगा ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ठीक है मेरे मित्रों। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। इफ़ यू विल लूज़ द पेशेंस, यू विल लूज़ द मार्केट, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। मार्केट में खड़े रहेंगे तो बने रहेंगे।
अब मैं आपके सामने कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कराने जा रहा हूँ। ये देखिए, रियलाइजिंग अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, विप्रो इज हेल्पिंग कंपनीज मॉनिटर, ट्रैक एंड टेक एक्शन एनवायरमेंट। ये 2023 विप्रो लीडरशिप हेड दावोस में, विप्रो के पास लीडरशिप है 2023 में, और ये कंपनी की कंप्लीट वेबसाइट रही। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये बताया आपको विप्रो से रिलेटेड कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस। क्या बोलूंगा मैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस कंपनी के अंदर केवल आपको जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं। और वो लॉन्ग टर्म का नजरिया कम से कम होना चाहिए आपको 15 से 20 साल, तो ही इस कंपनी के अंदर आए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये कंपनी क्या है, बहुत स्लो चलेगी, बहुत स्लो चलेगी, आपका पेशेंस तोड़ के रख देगी ये कंपनी, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों को बाद ही और 100 बार रिसर्च करने के बाद ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, यही मेरा तरीका है, आपका पैसा बनता रहे मार्केट से। फ्रेंड्स, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 1000 सब्सक्राइबर का मेरा एक टारगेट चल रहा है, डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जय हिंद मेरे दोस्तों, कल फिर एक नए शेयर के साथ आपके सामने मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।